नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और आज हम बात करेंगे उन चार कामों की जो आपको सुबह करने चाहिए जिससे आपका दिन जो है वो शुभ होगा। देखिए, हिंदू धर्म में 18 महापुराणों का वर्णन किया गया है जिसमें एक जो है गरुड़ पुराण को बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण माना गया है। बता दें कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके प्रिय वाहन गरुण देव के बीच हुई वार्तालाप को चिन्हित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति गरुड़ पुराण में बताई गई का पालन करता है उन्हें जीवन में कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं, तो उन्हें जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के इस भाग में आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति को किन चार कार्यों से अपना दिन शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को सबसे पहले दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन से करने चाहिए। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन भगवान के दर्शन करता है और विधिवत पूजा पाठ करता है उन्हें जीवन में कई प्रकार की सफलताएँ प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही महापुराण में ये भी बताया गया है कि घर में बनाए गए भोजन का कुछ हिस्सा भगवान को भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए और साथ ही इसका कुछ हिस्सा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करने कर देना चाहिए। ऐसा करने से ना केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति समय समय पर सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करता है और दान पुण्य करता है उन्हें जीवन में कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महापुराण में भगवान विष्णु बताते हैं कि व्यक्ति को दिन में एक बार आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए और ये विचार चाहिए कि उसके द्वारा किए गए ये विचार उसे करना चाहिए कि उसके द्वारा किए लिए गए जो फैसले हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। ऐसा करने से व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से सावधान रहता है और वर्तमान समय में उत्पन्न हो रही परेशानियों से लड़ने की क्षमता पर कार्य करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें।